क्या हुआ आपके साथ पूरा मामला? इस छत पर कमरा बना हुआ है, हमने छत पर अकेली सो रही थी कमरे में, दो आदमी आए, उन्होंने पे तमंचा हा और मेरे साथ हाथ पैर दाब लिए, छीना झपटी करी और गलत काम करा और जब छीना झपटी करी तो एक का ढांटा खुल गया, डब्बू नाम का लड़का है, और जैसे मैं चिल्लाने को चली तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू बोलेगी तो जान से मार दूंगा मैं, और जीतने में मैंने शोर मचाया तो सब इकट्ठे हो गए। फिर 100 नंबर पर कॉल करी तो उन्हें उसके घर से उठा कर ले गए। तो क्या पड़ोस का ही रहने वाला है वो? पड़ोस का ही है, छिपीवाड़े का। क्या हुआ है जो आपकी बहू के साथ में पूरा घटना? बहू के साथ में जी, बहू ऊपर सो रही थी तो जो दीवार की माई से पीछे से दो जने आए, दो जने आके जो इसकी बेइज्जती करी है, ढांटे मार रखे तो उसका ढांटा एक खुल गया, तो वो हमारा वो जो है डब्बू नाम का है, पहचान लिया है हमने। चूंकि पड़ोस का ही रहने वाला है। हाँ जी, पड़ोस का ही रहने वाला। कहाँ से आए थे और कैसे क्या किया था उन्होंने? ये चीपीवाड़े से आए थे और बस आके इसके साथ बलात्कार, इसके छेड़ा छाड़ी करी है, खूब कपड़े लत्ते फट रहे हैं। फिर ये बहू जब ये चले गए हैं, जब ये रोई है, जब हमने सब मोहल्ले को इकट्ठा करा है। तो क्या उनके पास कोई हथियार भी था? हथियार हाँ जी, बता रही है बहू, वो है वो तमंचा, उससे नु कह दिए जो कहेगी तो बोल लेगी तो जान से मार दूंगा। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। अभी तक हमारी माई से उन्होंने कुछ नहीं करा है। सर, पिलखुआ कोतवाली में एक महिला ने दो लोगों पर आरोप लगाया कि तमंचे के एक नौक पर घर में घुसकर उनके साथ गैंगरेप किया है। पूरा प्रकरण क्या है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये थाना पिलखुआ क्षेत्र में अपने सगे देवर पर उसने आरोप लगाया है। इनका जमीन का कोई प्रकरण चल रहा है, उस संबंध में इन्होंने इस तरह से तहरीर दिया है और तहरीर देने के बाद थाना अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया कि इसमें समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण करें और जो भी तथ्य सामने आए उसी अनुरूप उसमें कार्रवाई पूर्ण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।